करारा शरारा पेंजर आइए और मजीद बुरी लग रही है। एतकाफ में बैठा था अरसलान भाई, आपका एतकाफ बहुत बहुत मुबारक हो माशाल्लाह। थोड़ा सा नूर आया पूरा क्या हुआ, बिरयानी बट रही है यहाँ पे यार? गाइस कोई भी ईद नहीं दे रहा मेरे को यार। वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग गाइस। स्पेशली व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ इस वजह से कि जब तक मैंने आपको सुबह के व्लॉग में बताया था कि अपना मामू का जो हमारे बड़े मामू वहाँ पे दावत है तो हम लोग जाने के लिए निकल रहे तैयार हो रहे हैं। तो भाई एक बच्ची मुझसे मिलने आई, मेरी रिश्तेदारी है गैर नहीं है, तो वो बच्ची स्पेशली मिलने आई है अहमद से और मुझसे कि भाई बकास चाचू से मिलना है मुझे। तो भाई मैं दिखाता हूँ आपको उस बच्ची से, बड़ी क्यूट सी बच्ची है माशाल्लाह, और वो सारे ब्लॉग पूरे पूरे देखती है मेरे भाई। तो मैं दिखाता हूँ आपको उस बच्ची को, इधर आइए आप। तो भाई ये बच्ची है, नाम बताएं अपना आप। तफसीर शर्मा रही है बच्ची, थोड़ी शर्मा रही क्योंकि आपका भाई सेलिब्रिटी बनता जा रहा है ना। इन लोग कदर नहीं है मेरी अभी ये। हैं अब क्यों नहीं आ रही? आओ आप, वीडियो क्यों देखती है मेरी बताएं आप? अहमद पसंद करती हैं, मुझे पसंद करती हैं मुझे। ओए होए भाई अहमद, ये तो बच्ची मुझे पसंद करती है यार। अहमद की एक्टिंग अच्छी नहीं लगती है। अच्छा तो भाई बच्ची थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही है, शर्मा भी रही है, तो बड़ा अच्छा लगता है भाई, लोग मिलते हैं मज़ा आता है। अभी भी रास्ते में गई है, बहुत देर बैठी। बच्ची आई थी मेरे पास, हम लोगों के पास बहुत देर बैठने के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें दावत में जाना है मामू के घर पे। आज का ब्लॉग देखना, आज का नहीं कल का देखना, बल्कि देखना डेली ही डेली देखना, मिस कुछ नहीं करना। कल का लाजमी देखना, कल तुम आओगी तो इंशाल्लाह। A few moments later. So guys, आपका भाई रेडी हो चुका है। भाई उस वक्त मैं रेडी नहीं था क्योंकि बच्ची मिलने आएगी थी, सब शलवार का इसमें बैठा हुआ था। तो अब मैं रेडी हो चुका हूँ और अहमद साहब भी तकरीबन रेडी हैं, और बस हम थोड़ी देर में देख देंगे। मुस्तफ़ा सो रहे हैं, मुस्तफ़ा साहब को डालू भाई, तैयार हो भी चले, और ये हेरा भी तैयार हो गई। वाओ अभी थोड़ी देर में निकलेंगे मामू के घर पे, और मामू के घर पे बड़ी कुछ तफरियां आने वाली है, लेवल की तफरियां आएंगी गाइस, सारी मैं आपको दिखाऊंगा कल के ब्लॉग में। तो अभी चलते हैं मामू के घर पे, मिलता हूँ आपसे मामू के घर पे जाके। तो भाई चलते हैं, गाड़ी निकाल ली हमने बाहर। मामू के घर पे हम लोग पहुंच गए भाई, और ऊपर चढ़ रहे हैं, मामू का घर भी फोर्थ फ्लोर पर है। अस्सलाम वालेकुम मौनी, खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम मामू, मामू एक दफ़ा और ईद मिल लो यार, क्योंकि आज का दिन बड़ा इम्पोर्टेंट है, कल का दिन तो खास नहीं था, आज का दिन खास है मामू। हाँ आज भाई मामू ने जेबे शलवार की जेबे सारी भरी पड़ी हुई है मामू का, नहीं है इसी से लेंगे भाई। भाई दोनों मामुओं ने ना शलवार की जेबों तक गड्डियां भरी पड़ी हुई है, और मामू आज बच के है ना शलवार। दांत दिखाओ अपने भाई, इसके दांत देखे, दांत टूट गए, दांत नहीं दिखाए, यहाँ के टूटे दो, यहाँ के दो दांत, चलो अभी पकड़ेंगे इसके दांतों को। अस्सलाम वालेकुम, अम्मी भी आ गए हमारी, अम्मी क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह। ओह माय गॉड, ये शर्म की बात है। चांद भाई आए भाई, ईद मिल लो गांधी भाई से, क्योंकि इन्होंने गड्डियां मंगवाई हैं ताबिज भाई से। भाई सात भाई आए हुए हैं, सात भाई और गोली मार, तीन मिला लोड़ा, एक दो तीन हो गए, चार चार तीन हो गए ना बेटा। तो भाई ये सात भाई हमारे माशाल्लाह बड़े हैंडसम आदमी हैं। अच्छा ग्रीन और ब्लू है। अस्सलाम वालेकुम बेबी खाला, कैसे हैं? कैरियर से हैं? बड़े लिपस्टिक शिपस्टिक लगाकर आई हैं। ईद है भाई। तो भाइयों ये करारा शरारा पेंजर आई है और मजीद बुरी लग रही है, तो मुझे गजब बेइज्जती है। भाई ये एतकाफ में बैठा था अरसलान भाई, आपका एतकाफ बहुत बहुत मुबारक हो भाई माशाल्लाह। थोड़ा सा नूर आया है पूरा
पूरा एक था मैं मजाक कर रहा हूँ भाई, पूरा नूर आया भाई, आधा नहीं आया। खाना लग गया है भाई और तकरीबन सारे ही लोग खाना खा रहे हैं। बिरयानी बड़ी लेवल की, चिकन बिरयानी में बीफ बिरयानी बनाई है, बीफ बिरयानी बनाई है भाई। यहाँ पे भाई चस चस सारी चस भाई। ईदी दो यार मामू, ईदी तो दे दो। खाना नहीं खाया? अच्छा खाना खा लो। मामू को खाना खिला, मामू को प्रोटोकॉल में खाना खिलाओ। अबे मामू खाना खाने दे, खाना तो खाने दे। अबे इन्होंने 150 और 100 वाली गड्डियां ताबीज से मंगवाई है। ले पर्स निकाल लो, शर्म कर कुछ यार। शलवार की जेब में, शलवार हमारी जेब में गड्डियां हैं। उससे कोई भी ईदी मांगेगा ना उसको मैं मच्छरदानी से मारूंगा। मुंह धोएगी तो मैं ईदी दूंगा, कसम से बिंदी दूंगा, वरना नहीं दूंगा। 500 रुपए पॉलर से आइए भैया। हाँ हाँ ये तो काफी बैठी थी और ये मेरा भाई 500 रुपए बांटेगा यार। ये भाई तावेज भाई 500 की गड्डी भाई। नदी मामू आ गए क्या? मुठिया बना बना के घूम रहे यार मामू यार। तो यार हम भांजो के लिए नहीं है क्या मामू यार? निकालो ना 10 वाली गड्डी। हाँ सर हाँ, पूरी पूरी गड्डी मामू। अबे इन्होंने पता क्या करा, याली जेब के अंदर भी सलवार की जेब के अंदर पैसे इनके। अहमद को ईदी दी नदीम मामू ने 50 रुपए। 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए गलत बोल दिया भाई। 100 रुपए दिए 100 रुपए ये भाई। अस्सलाम वालेकुम। 500 रुपए दे रहे थे ना, दे दिए तो दिए। क्या वो बिरयानी बट रही है? कोई भी ईदी नहीं दे रहा मेरे को यार। मिलेगी तो तुम ना, एक 100 रुपए मिले खाली बस। किसने दिए? किसने दिए? किसने किसने दिए? सिर्फ 50 रुपए मोबाइल को छोड़ दे, मैंने सिर्फ 50 रुपए छीने यार, बाकी दे दूंगा मामू को। अच्छा मामू ने 250 रुपए दे दिए, 50 रुपए आ गए, 300 रुपए पूरे हो गए। अस्सलाम वालेकुम मामू। कैमरा चला गया मेरे हाथ से यार, ईदी लेने की बारी है। ये मुंह धोने के लिए तैयार हो गई है। अभी बन गई यार, इसको लात मार के भागो। इसकी वाली वापस कर दो ना भाई, इसकी भी वापस कर रहा हूँ। ये पहली बंदी है जिसकी जो
चले बेचारों को वापस कर दीजिए, वापस कर दें बेचारों को। किस किस के हैं? कोमल के 100, हमसा के 200। शहरों में पैसे छीन लिए किसी जी ने नेता के मामू, कब से ये जी बांट रहे दुनिया भर यार है ये भाई जी। ये बंदा वो है जो खुलने नहीं गया था, एटीएम से निकला। ओए होए, हम कब से बेचारे असलम मामू कर रहे हैं यार सब बच्चे। अब छीन तो लूं फिर बांटूंगा। पिकनिक की प्लानिंग हो रही है और पिकनिक होती खत्म हो जाती है हमारी। यार देखो कैसा मजाक उड़ा रहे हैं यार आपके भाई का यार। लोगों को चाहिए माशाल्लाह। अबे हाँ, कमा रहे पैसे नहीं निकाल रहे ये लोग यार। अब इन लोगों तुम लोगों को पिकनिक करानी चाहिए, इतनी इतनी उम्र हो गई इन लोगों की। डॉलरों में आ रहे, डॉलरों में पैसे। Two hours later. तो सो गाइस, मामू के घर से अपने घर पर आ गए यार। वहाँ इतनी मैंने वीडियो शूट करी, इतनी तफरियाँ करी जिसकी कोई हद नहीं भाई। माँ हो गई मेरी बैटरी खत्म मोबाइल की, सिर्फ और सिर्फ 5% बैटरी बची थी, उस पर कुछ काम हो ही नहीं सकता था। तो एंडिंग करना भूल गया था भाई, तो मैंने सोचा घर आ गए एंडिंग कर दें। तो गाइस ये था मेरा आज का व्लॉग, जो बड़ी कोई तफरियाँ और इन्जॉयमेंट में गुजरा हुआ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, ईदियाँ छीनने छिनाने वाला सीन बहुत आला हुआ है गाइस। तो इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं गाइस। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब लाजमी करें यार। तो मिलता हूँ कल, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।